Allah says in chapter 17, verse 27, Verily, spendthrifts are the brothers of the evil one. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Best nikah is the one on which the least trouble and expense is incurred. MashaAllah, simple nikah is becoming common these days. Alhamdulillah, we are adopting the Prophet's ways. 8 standard boys will now present an Urdu skit, Shadi Khana Abadi. शकूर भाई, इस शादी को देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। हाँ भाई, ये बात तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है निसार साहब के पास। एक लौते बेटे की शादी है, दिल खोल कर खर्च करना चाहिए था, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। कुछ ही लोगों को दावत दी, यहाँ तो मेहमानों की रेल फेल होनी चाहिए थी। गलत बात है, जैसे स्पाइस करे वैसे सब लोग बाहर भी करे। इसके बाद कर माइक में वाला एक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है बात बात करो। माफ कीजिएगा, बेगम का फोन था। वो फरमा रही थी कि उन्हें यहाँ बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्हें इस औरतों की महफिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम ही ऑर्डर आउट हो। बड़ा सादा सा माहौल है। हमारी और शकूर भाई की फैमिली ही बड़ी अजीब लग रही है। उनका कहना है कि फिर भी ये खवातीन उनसे बड़ी इज्जत और खुलूस से पेश आई। मैंने तो अपनी बेगम से कहा था कि किफायत सारी से काम ले, मगर उन्हें अपनी शान बरकरार रखनी थी। वो तो इसी वक्त यहाँ से चुपके से निकल जाना चाहती थी। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि हम यहाँ निकाह में शामिल होने आए हैं, निकाह हो जाए फिर इंशाल्लाह चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उन्हें सादगी और दिखावे के बीच फर्क तो मालूम होगा। अरे भाई हमीद, लगता है निकाह बाद खाना नहीं है। क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो मेरी बेगम के साथ उनकी प्यारी सहेली और उनके बच्चे भी आए हैं। घर पर ही कह रही थी कि शादी में मुख्तलिफ किस्म के पकवान होंगे, और जब रोज रोज घर का खाना खा कर उग जाते हैं तो शादी के खाने का टेस्ट ही अलग होता है, और जो आइसक्रीम होती है बड़ा मजा आता है। हम ऐसा करेंगे, बच्चों को अपने पास आइसक्रीम खिला देंगे, फिर चुपके से आपके पास भेज देंगे। आइसक्रीम की प्लेट एक ही बार देते हैं ना, लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ तो निकाह बाद महज छुआरे और शरबत है। हाँ अब क्या कहे भाई, मुझे तो बदरुद्दीन भाई की घर की शादियाँ याद आती है। सुभान अल्लाह, क्या इंतजाम, क्या डेकोरेशन, क्या खाने भाई। शादी हो तो ऐसी, अरे वो देखो बदरुद्दीन भाई आ रहे। सलाम अलैकुम बदरु भाई। वालेकुम। मान गए भाई बदरुद्दीन, कलेजा हो तो तुम्हारे जैसा। क्या शानदार तरीके से अपनी तीनों बेटियों की शादी की। एक यहाँ देखो, शादी जैसी अहम रस्म में इस तरह का समा, ऐसा लगता है कि किसी की ताजियत करने आए हैं। इस सादा सा तकरीब के बिना पर आप लोगों ने बहुत गलत नतीजा निकाला है, और आप मेरे घर की शादियों की बात कर रहे हैं। पता है मेरी तीनों बेटियों की शादी में मेरी तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई, यहाँ तक कि मुझे मेरा मकान भी बेचना पड़ा। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। पता है क्यों? मैं चाहता था कि मेरे घर शादी धूमधाम से हो, बेटियों के जहेज में कमी ना हो, और शादी में शरीक तमाम मेहमानों की खूब खातिरदारी हो, ताकि जमाना याद रखे। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ जो शानदार शादियाँ हुई, सुभान अल्लाह, पूरे मोहल्ले भर में किसी की नहीं हुई। हाँ, और बिल्कुल शानदार और आम दावत थी, कई किस्म के तो पकवान थे। बस यही सब मेरी गलतियाँ थी। निकाह जैसे अहम और सादा सुन्नत रसूल के साथ गैर इस्लामी अरकान शामिल करके मैंने तो अपना ही नुकसान कर दिया। अरे भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब भी कहीं शादी की बात चलती है तो आपके यहाँ का जिक्र जरूर होता है। भाई ऐसे जिक्र का क्या मतलब जो दुनिया और आकिबत दोनों खराब कर दे। पता है मेरा एक ही बेटा है, उसे एक जानलेवा बीमारी है। डॉक्टर्स कहते हैं
कम से कम 5 लाख रुपए का। 5 लाख? हाँ, और जो लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते उनमें से तकरीबन सभी साहब हैसियत के सामने मैंने अपना मसला रखा, मगर सब ने कोई ना कोई उज्र पेश किया, सिर्फ हमदर्दी जाता कर रह गए। भाई बजरुद्दीन, आप शायद हैदर अली साहब को बताना भूल गए होंगे कि इलेक्शन के दौरान आपने उनके लिए अपनी जाती खर्च से उनके इलाके में काम करवाया था, अब तो काउंसलर बन गए। काउंसलर? पता है उन्होंने मुझसे कहा, बदरुद्दीन आपने तो देर कर दी, बस कल ही नारी निकेतन में मैंने 10 लाख रुपए का चेक दिया, वो कह रहे थे अब तो मेरे फंड में पैसे भी नहीं रहे। वल्लाह बड़ी खुदगर्जी है आज के जमाने में। अब क्या होगा बदरुद्दीन भाई आपके बच्चे का? देखो अल्लाह मुसब्बिबुल अज़बाब है, इस सादा सा तकरीब के बिना पर आप निसार भाई को जरूर कंजूस समझ रहे होंगे, मगर मैं आपको बताता हूँ, जब उन्हें मेरी परेशानी का इल्म हुआ तो वजाते खुद मेरे पास आए और मुझे मस्जिद में मिलने के लिए कहा, और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने न सिर्फ मेरी धारस बंधाई बल्कि 5 लाख रुपए का चेक ये कहते हुए दिया कि इसका जिक्र किसी से ना करें। उनका ये कहना था कि उनके पास जो भी है अल्लाह का दिया है और उस पर उसके जरूरतमंद बंदों का हक है, और आज उनके बारे में इस तरीके की बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और बस मैंने बता दिया। अब चलो मैं चलता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, लाइल्मी में हम किस तरह की कयास आराइयां करते हैं और अल्लाह के गुनहगार बनते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम, माफ कीजिएगा कुरैशी साहब, मैं आपको शादी में दावत ना दे सका, दरअसल मैंने चंद ही लोगों को बुलाया था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भाई, मुझे पता चला, बताते खुद ही आपके बेटे की शादी में शरीक होने आ गया, और रहा सवाल दावत का, मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं। आपको तो पता ही होगा जब अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हुआ और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए और निकाह के बारे में बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए बल्कि खुश होकर कहा, अब्दुर्रहमान औलिम वलो बिशातिन, यानी आप वलीमा कर लीजिए। इस हदीस से हमें सबक लेना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर क्या हम अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हैं? जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हर मोमिन को हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस सादा सी तकरीब से हमारी बेहुदा रस्मों की हकीकत आया कर दी। वाकई अगर मुसलमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे तो जरूर गुनाहों से बच सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, मैं भी अल्लाह और रसूल के हुक्म मुताबिक ही निकाह को अंजाम दूंगा। अल्लाह का करम है कि उसने मुझे हिदायत दी। दरअसल ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, जो वसाइल माल व दौलत हमारे पास है वो तो अल्लाह की दी अमानत है। ये और बात है कि अल्लाह ने उन तमाम नेमतों को खर्च करने का हमें हक दिया है, लेकिन वो उन तमाम अखराजात का हिसाब लेगा कि उसकी नेमतों को हमने कहाँ सर्व किया। और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27 में, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, और फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बेहतरीन बात कही है निसार साहब ने। अल्लाह हमें कुरान और हदीस को समझने, पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस दुनिया और आखिरत में सरफराज हो। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के आज के जलसे का मकसद ही यही था कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए हम उम्मत मुस्लिमा की याद दहानी करें। आमीन, आमीन।